शादी करूँगा आपसे और जब आपका डायवोर्स हो जाएगा तो हम लोग अपने घर में बता देंगे। उसके घर पे ऑलरेडी पता था, मेरे घर में नहीं पता था। यही बोल रहे थे कि हम लोग शादी कर लेंगे, बार बार यही बोलता था। मेरे मना करने के बाद भी मेरे साथ संबंध रखा और उसने ये चीज़ की जानकारी शेखर बघेल को शुरू से किसने रखा नाम रुपेंद्र पाल, और शेखर भैया उसकी पूरी मदद कर रहे थे। जब मैंने पहली बार शिकायत की तो मुझसे दबाव बनाकर शिकायत वापस करवा दिए, और जब जैसे ही शिकायत वापस हुई उसके बाद मेरी जॉब, जहाँ मैं जॉब करती हूँ वहाँ मेरे खिलाफ उल्टी सीधी बातें करते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट वाले मुझे उल्टा सीधा गंदे गंदे शब्द बोलते हैं, मुझे टॉर्चर करते हैं, शहर छोड़कर बाहर जाते हैं। आपने समझौता किया था पैसे लेकर? जी नहीं, मैंने पैसे लेकर कोई समझौता नहीं किया। अभी क्या चाह रही हैं? अभी मैं चाह रही हूँ कि उनके दोनों के खिलाफ कार्रवाई हो। जो लोग परेशान कर रहे हैं और गलत बोल रहे हैं मेरे बारे में, उसको मेरे को मानहानि भी हो रही है। मुझे गलत शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है कि धंधा करती है, पैसे लेती है। मैं ये सब बातें बिल्कुल नहीं सुन सकती, और यदि ऐसा है तो वो भी सामने आके साबित करें कि मैंने कहाँ क्या किया। आपकी शिकायत दर्ज हुई? नहीं, मेरी कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई। पिछले 15 दिनों से मैं एसपी साहब के पास भी जा रही हूँ, महिला थाने भी जा रही हूँ, कोई शिकायत दर्ज नहीं की जा रही। इसकी जानकारी मैंने ढूंढासिनी थाने जाकर भी दी थी और शेखर बघेल से इस चीज़ में बहस भी की थी कि आप मेरे बारे में इस टाइप की गंदी बातें क्यों फैला रहे हो। तो उनका कहना था कि तुमको लोग भड़का रहे हैं और तुम उनके कहने पर आकर हम लोग के साथ ऐसा कर रहे हो। आपका कहना है कि 4 साल से संबंध था, तो वो कोई दबाव में था कि फिर आपकी स्वेच्छा थी? ऐसा नहीं था कोई, वो बार बार ये हम इस शर्त में साथ में रह रहे थे कि शादी करेंगे। किस पे कार्रवाई चाहती है? कौन? दोनों शेखर बघेल और रुपेंद्र पाल, दोनों पे कार्रवाई चाहती है।